बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुक विद मामा प्रिंसेस की तरफ से सबको वेलकम, खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ ब्लैक बीन एंड एवोकाडो सैलड की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो चले फाइनली चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने घर में ब्लैक बीन को बॉयल किया, अगर आपने कभी नहीं किया तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। 2 कप जो है मेरे पास बॉयल ब्लैक बीन है, और साथ ही एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है रेड कलर की, उसको मैंने इस तरह से बीज निकाल के क्यूब्स में काट लिया है। ग्रीन वाली है उसको भी क्यूब्स में काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर है उसको मैंने बीज निकाल के काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है उसको भी इस तरह से बारीक बारीक काट लिया। 5 से 6 लहसुन के जवे हैं इन्हें फाइनली चॉप कर लिया है। हैंडफुल धनिया है उसको धोकर चॉप कर लिया है। 2 कप जो है बॉयल कॉर्न है, और 2 जो है मीडियम साइज़ के एवोकाडो इसको भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया छिलका उतार के। तो ये सारी चीज़ें सिंपली आपने क्या करना है, पहले इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हम इसकी करते हैं ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग में सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। मैंने इसमें काफ़ी सारा लेमन जूस ऐड किया, अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 6 टेबल स्पून ऐड किया है। साथ ही हम इसमें 3 टेबल स्पून जो है वो ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल को भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर, जो कि मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। और साथ ही नमक अपने जायके के हिसाब से मैंने तकरीबन एक टेबलस्पून जो है वो ऐड किया है। और इसके बाद मैं इसमें चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ऐड करूँगी, इसको स्पाइसी बनाने के लिए बिल्कुल ऑप्शनल है। 1/2 टीस्पून अगर नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर लें। 1 टेबलस्पून आपने इसमें सिंपली हनी ऐड कर देना है। और सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने सिंपली सैलड को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है, किसी भी खूबसूरत से बर्तन में निकाल लें और इसको कर लें डिश आउट। तो देखें हमारा बहुत ही यम्मी बेहतरीन और हेल्दी सा सैलड रेडी है। ये है इसकी क्लोज लुक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है इंजॉय करने के लिए। अगर कभी आपने इस तरह से नहीं ट्राई किया तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल सी यम्मी सी और क्विक सी रेसिपी यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बना के जरूर ट्राई करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोलकर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करें, कमेंट्स करके फीडबैक जरूर दें, और थम्स अप करना नहीं आपने भूलना। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और बेल के बटन को प्रेस कर दें, उसे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ रब रखा। ऑलवेज रिमेंबर गाइज, होममेड एंड फ्रेश इज द बेस्ट। कीप वॉचिंग कुक विद मॉम एंड प्रिंसेस फॉर मोर यमी हेल्दी क्विक एंड वेट लॉस रेसिपीज। बाय, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।